नमस्कार दोस्तों, बिहार एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, फॉरबिसगंज में होने जा रहा है 14 नवंबर को धरना प्रदर्शन, और ये शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया जाएगा फॉरबिसगंज संघर्ष समिति के द्वारा, जिसका संयोजक होंगे गुड्डू अली, रमेश सिंह सचिव और शाहजहां साद अध्यक्ष होंगे, जो कि धरना प्रदर्शन का आयोजन करेंगे। और ये धरना प्रदर्शन क्यों हो रहा है, क्यों करना पड़ रहा है धरना प्रदर्शन, जिसकी वजह ये है कि कई सालों से ये मांग की जा रही है फॉरबिसगंज का जो रेल लाइन है वो बीचों बीच से गुजरती है, यानी शहर के बीचों बीच से गुजरती है, जिससे कई रेलवे फाटक पड़ते हैं और रेलवे फाटक पर हमेशा जाम की स्थिति रहती है। कटिहार जो जोगबनी रेल लाइन है, ये काफ़ी बिजी रेल लाइन है और उस पर हमेशा ट्रेनों का आना और जाना लगा रहता है, जिस वजह से जो रेलवे फाटक है वो बंद रहता है। और बंद रहने की वजह से सुभाष चौक पर, खास करके अगर हम बात करें तो सुभाष चौक पर हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है। वहाँ पर कई बार मैं गया भी हूँ और जाने के बाद पता लगता है कि कितना बिजी ये रूट है और यहाँ पर किस तरीके से जाम की समस्या है। वहाँ पर दम घुटने जैसा माहौल होता है उस वक्त जब वहाँ पर जाम की स्थिति जब देखी जाती है। तो इसीलिए ये धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है। 14 नवंबर को ये धरना प्रदर्शन फॉरबिसगंज के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर किया जाएगा, जो कि दिन के 10 बजे से ये धरना प्रदर्शन शुरू होगा। और इसमें जो मुख्य रूप से मांग होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। तो सुभाष चौक पर KJ-65 पर ओवरब्रिज का निर्माण किया जाए, ये अहम मांग होगी। इसके अलावा पुराना रेलवे फाटक ज्योति मोड़ के पास KJ-64 पर लाइट फुट ओवरब्रिज का निर्माण किया जाए और KJ-64 पर ही चौड़ीकरण भी किया जाए, ये भी मांग रखी जाएगी। इसके अलावा KJ-63 पर पटेल चौक पर अंडरपास का निर्माण किया जाए और इसके साथ साथ और भी कई सारे ऐसे मांग होंगे जो कि रखे जाएंगे। कुल मिलाकर जो मोटी मोटी तौर पर जो मांग रखी जाएगी, यही 4 मांग है कि इस फॉरबिसगंज को जाम की समस्या से कब निजात मिलेगा। और इसीलिए ये सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया जाएगा फॉरबिसगंज रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, जिसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। कई सालों से ये मांग की जा रही थी कि इस जाम की स्थिति से निजात मिले, लेकिन कोई भी रेलवे अधिकारी जो है वो सुनने को तैयार नहीं थे। इसलिए लास्ट में आकर के लोगों को ये धरना प्रदर्शन का आयोजन करना पड़ रहा है। और इस धरना प्रदर्शन में देखिए अब क्या सब निकल के आता है, क्या ये बातें सुनी जाती है या नहीं, क्योंकि आने वाले दिनों में सहरसा फॉरबिसगंज जो रेल लाइन है ये भी ये तो शुरू है, लेकिन इस पर भी ट्रेनों की संख्या बढ़ने वाली है और कई सारी ऐसी ट्रेनें होगी जो कि कटिहार से फॉरबिसगंज और इस रूट से गुजरेगी। तो ये आने वाले दिनों में काफ़ी भयावह स्थिति हो सकती है, क्योंकि हमेशा फाटक का गिरा रहना जिससे जाम की समस्या बनी रहती है हमेशा। कई बार आज से नहीं, मैं सालों से देख रहा हूँ, कई सालों से दशकों से देख रहा हूँ कि जो सुभाष चौक है वहाँ पर हमेशा फाटक गिरा रहता है, और फाटक नहीं भी गिरा रहता है तब भी वहाँ पर जाम जो है वो लगा हुआ रहता है, क्योंकि बड़े बड़े बस और ट्रक होते हैं, टेम्पू ऑटो रिक्शा ये सभी होते हैं, तो जाम की स्थिति वहाँ पर हमेशा से रही है और हमेशा से लोग जो है लगातार मांग करते आ रहे हैं कि जाम की समस्या से निजात दिलाया जाए। देखते हैं इस बार जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है इसमें क्या कुछ निकल के आता है, क्या ये मांग पूरी होती है या नहीं, ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन सांकेतिक धरना प्रदर्शन से कुछ ना कुछ तो हल इसका निकलेगा। दोस्तों, ये थी खबर। बाकी ये खबर हम तक पहुंचाया था चंदन भगत ने फॉरबिसगंज से, और इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।